देख सकते हैं कितना तेल गिर रहा है। टंकी में अंदर अगर पावर टिलर से तेल लीक होता है तो क्या करें, देख पा रहे हैं ये वाला यहाँ से आया है टंकी होके, तो मिट्टी लगा है, देख सकते पूरा तेल में भीगा हुआ है। तो ये इधर से होके यहाँ से आया है, यहाँ लीक हो रहा है तेल, तो इसको क्या करें। तो इसको तेल बंद है फिर भी तेल लीक हो रहा है, तो इसको अच्छा तरीका है इसको पाना से खोले, देख सकते हैं पूरा तेल कितना लीक हो रहा है। तो इसको एक अच्छा सा कपड़ा ले, साफ कपड़ा, और इसको साफ करे थोड़ा, तेल लीक होने से पूरा टंकी खाली हो जा रहा है, देख सकते हैं पूरा खाली। आपको लाइट जला के दिखा दे रहा हूँ, खाली है टंकी, ये देख सकते हैं पूरा टंकी खाली है। तो टंकी खाली रहने से जंक लग जाता है, तो हमेशा तेल डाल के ही रखे। फिर आते हैं पाइप में, ये जो पाइप है इसको पाना ले और खोले, उसके बाद ये जो स्प्रिंग है इसको खोल के थोड़ा सा बड़ा करना है, नहीं तो अगर नया मिल रहा है तो नया लेके लगा ले। तो इसको खोलते हैं थोड़ा, 18 का पाना ले, ये देख सकते हैं 18 नंबर, तो 18 नंबर से ये वाला खुल जाएगा पाना, देख सकते हैं खुल जा रहा, तेल जितना है गिर जाएगा, क्या करे थोड़ा सा तेल है। तेल है गिरने दे, टंकी तो पूरा खाली है, तो देख पा रहे हैं कितना तेल गिर रहा है नीचे। तो इतना गिरा तो थोड़ा और थोड़ा गिर जाने से क्या हो जाएगा, देख सकते हैं कितना तेल गिर रहा, देख पा रहे हैं पूरा तेल। देख सकते हैं इस टाइप का कुछ पाना नट रहता है जो यहाँ से ऑयल आके नीचे पाइप में जाता है, तो इसको भी खोलना है। खोलने से पहले एक डब्बा ले लें, जितना भी तेल है इसको तेल में डब्बा में डाल लें, ऐसे खोल के जो लोग देख रहे हैं इसको खोल दें, इसे जितना तेल है नीचे आ जाएगा, जितना तेल है सब ड्रेन कर लें। उसके बाद इसको छोड़ दें, तेल में भी कचड़ा जम गया। हाँ, तो ये खोलने के बाद ये वाला जो लॉक है, ये देख पा रहे हैं ये लॉक, इसको खोलना है। ये लॉक खोलने के बाद स्प्रिंग को खोल के उसको थोड़ा लंबा करना है। तो इसे कुछ कपड़ा ले लें और इसके जो होल है इसमें थोड़ा घुसाएं और इसको थोड़ा साफ कर लें अच्छा से, पूरा पाइप को भी साफ कर दें कि गंदा ना रहे। तो ये देख सकते हैं मैं पूरा अच्छा से साफ कर लिया हूँ, ये तेल जाने के लिए, और इधर जाने से लॉक होता है तो इधर तेल जाता है, इधर लॉक होता है। तो स्प्रिंग को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, बड़ा कैसे करेंगे, फंसा के करेंगे, ये देख सकते हैं थोड़ा बड़ा कर दिए, ऐसे प्लास में पकड़ लें, ऐसे करें थोड़ा सा खींचा जाए। अगर आपको नया लगाना है तो नया भी लगा सकते हैं, काम चलाने के लिए मैं बना रहा हूँ, देख सकते हैं थोड़ा सा खींचा गया, ये देख सकते हैं काफ़ी ऊपर तक खींचाया, और थोड़ा खींच लें, ये देख पा रहे हैं इसको थोड़ा सा है नीचे, तो उसको भी थोड़ा खींचेंगे, तो काफ़ी खींचा चुका है देख सकते हैं, तभी इसको यहाँ लगाएंगे, देख पा रहे हैं इधर भी थोड़ा कचड़ा है, इसको भी थोड़ा साफ कर लेते हैं।
वाला देख सकते हैं लग चुका है, ये वाला लगा लिए हैं। तो इसका लॉक को अच्छी तरह से लगाएं, नहीं तो खुल जाएगा। तो इसको मोड़ के देख सकते हैं, अभी थोड़ा हार्ड है, मोड़ेंगे तो मुड़ाएगा नहीं। तो ये देख सकते हैं, अभी यहाँ थोड़ा सा साफ करके इसको लगा दें। जो ही वाला नट जो यहाँ के लिए है, तो ये कंप्लीट हो गया है। अभी तेल डालना है यहाँ पे, तो मैं एक डब्बा में तेल लेके आया हूँ, अभी डालेंगे। जो डब्बा में था थोड़ा सा तेल, इसको भी डाल देते हैं, देख पा रहे हैं, मैंने डाल दिया है। और ये बोतल में लाए हैं 1 लीटर, जो फिलहाल अभी के लिए स्टार्ट करने के लिए। तो इसको भी डालते हैं टंकी में। तो गया अंदर, हो चुका है, इसको हटाते हैं। सॉरी, गिर गया डब्बा। तो इसको लॉक करते हैं, अभी देखते हैं तेल आ रहा है कि नहीं। देख पा रहे हैं लीकेज कम दिख रहा है, देखें लीकेज नहीं हो रहा है सूखा। अरे यार, इधर भी लीकेज नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे। उधर से आएंगे उसका पाइप, और ये देख सकते हैं जहाँ पे खोले थे ये वाला लीकेज बिल्कुल नहीं, देख सकते पूरा हाथ ड्राई। अरे यहाँ नट लगा दिए हैं, अभी तेल भी खुला है, तो अभी स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा, हाथ में नहीं होता है, उसको रड लगाना पड़ेगा। आओ।